2019 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना साथ में चुनाव लड़ी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें पूर्ण बहुमत मिला। बीजेपी को 106 सीटें, शिवसेना को 56 सीटें और कई अन्य लोग हमारे साथ आए। 170 तक हमारी मेजॉरिटी जा रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के दरमियान भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का नाम भी ऐलान किया था, सबको मंजूर भी था, किंतु चुनाव के बाद शिवसेना के नेताओं ने यह निर्णय किया कि हिंदुहृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे जी ने जिन विचारों का जीवन भर विरोध किया, जीवन भर जिनसे लड़ाई की और जिनके बारे में वो कहते थे कि अगर इनके साथ जाना पड़ा तो मेरी दुकान बंद कर दूंगा, ऐसे लोगों के साथ अलायंस किया। और उसके बाद 2.5 साल हमने एक सरकार देखी जिसमें न कोई तत्व थे, न कोई विचार था, न कोई गति थी, न कोई प्रगति थी। जो सरकार चालू इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को बंद कर रही थी, जो सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों के दो मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग में जेल में गए, दाऊद के साथ रिश्ते, इसका आरोप मंत्री पर लगा, बावजूद उसके जेल में जाने के बाद भी उनको मंत्रिमंडल से हटाया नहीं गया, तो एक प्रकार से पथभ्रष्ट ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने जिसको लगातार विरोध किया, ऐसी सरकार शिवसेना के माननीय उद्धव जी के नेतृत्व में कांग्रेस एनसीपी की सरकार चली। और इस सरकार के चलते शिवसेना के विधायकों में बड़ा रोष था, उनको लगता था वापस वोट मांगने जाना है। और आज तक जो बातें कही उसके विरोध में काम हो रहा है, जिनके खिलाफ जिंदगी भर लड़े उनके साथ बैठे हैं, वोट कैसे मांगेंगे? साथ ही में उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके खिलाफ जो हारा उसको पैसा मिलता था, फंड्स मिलते थे, और ये सारी चीजों से एक बड़ा अंदरेस था। और उसके चलते श्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में शिवसेना के विधायकों ने एक ही मांग की कि कांग्रेस एनसीपी के साथ हम नहीं रह सकते और ये गठबंधन तोड़ा जाए, किंतु उनकी मांग मंजूर नहीं हुई। के लिए है माननीय उद्धव जी ने सब्सक्राइबर्स ही इस वीडियो को हिंदुत्व छोड़ दिया, अभी सब्सक्राइब करें, MTC विचारों को छोड़ दिया और अपने विधायकों से ज्यादा कांग्रेस और एनसीपी की बात दिल को लगा कर रखी और उन्हें ही महत्व दिया। इसके चलते इन विधायकों ने अपनी आवाज बुलंद की, मैं इसको बगावत नहीं कहूंगा, ये आवाज बुलंद की। और आवाज बुलंद करके इन विधायकों ने ये कहा कि आप बाहर निकलिए, नहीं तो हम इनके साथ नहीं रहेंगे। और ऐसे समय जब सरकार के पास बहुमत नहीं रहा और मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया, तो हम ये लगातार पिछले 2.5 साल में कहते थे कि अंतर विरोध से भरी हुई सरकार है, ऐसी सरकारें चलती नहीं है, और ये सरकार जब गिरेगी तो एक अल्टरनेट गवर्नमेंट हम देंगे, हम महाराष्ट्र पर चुनाव नहीं ला देंगे। इसलिए एकनाथ शिंदे जी के साथ शिवसेना जो है, शिवसेना के नेता के रूप में आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना क्लेम माननीय राज्यपाल जी को दिया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे गुट ने उनको पूरा समर्थन दिया।
हमारे 106 और उसके साथ साथ उनके साथ और हमारे साथ जो इंडिपेंडेंट्स और छोटी पार्टियां हैं, इन सभी के समर्थन का पत्र आज हमने सौंपा है और गवर्नर साहब ने श्री एकनाथ शिंदे जी को 7:30 बजे शपथ के लिए न्योता दिया है। आज केवल एक ही शपथ होगी श्री एकनाथ शिंदे जी की और फिर हम लोग सारी कार्रवाई करके उसका एक्सपांशन करेंगे। एक्सपांशन के समय शिवसेना के जो विधायक उनके साथ है, कुछ इंडिपेंडेंट्स है, हमारे 106 विधायक हैं, इनमें से जो ज्येष्ठ वरिष्ठ लोग हैं, जो हमारी पार्टी तय करेगी या उनकी पार्टी तय करेगी, ऐसे लोगों को मौका दिया जाएगा और मंत्रिमंडल का एक्सपांशन किया जाएगा। मैं इस सरकार को पूरे तरीके से सहयोग करूंगा, मैं सरकार के बाहर रहूंगा और इस सरकार को सफल बनाने हेतु जो जो चीज करना आवश्यक है, ऐसी सारी चीजें हम मिलकर करेंगे, मेरा विश्वास है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास का एक नया पर्व शुरू किया है, उस विकास के पर्व को 2.5 साल का जो ब्रेक लगा था वो ब्रेक निकलेगा और फिर से महाराष्ट्र की प्रगति की एक्सप्रेस ये तेजी के साथ भागेगी और उसके लिए मैं श्री एकनाथ शिंदे जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं।